आजमगढ़ में यूपी परिवहन की बसों की हालत काफी खस्ता है। कुछ बसें तो धक्का प्लेट हो गई हैं। हाल ही में अम्बेडकर नगर जाने वाली एक बस को स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना पड़ा। बस की दरअसल बैटरी खराब हो गई थी। कर्मचारी और यात्री मिलकर बसें धकाते नजर आए। इस बारे में अधिकारियों ने गोलमोल जवाब दिए हैं। इनका कहना है कि रीजनल वर्कशॉप और डिपो में बैटरी और अन्य सामग्री की कमी नहीं है, मैकेनिकल समस्या का भी समय से समाधान किया जा रहा है। ये जो बसों की स्थिति आप धक्का प्लेट की बात कर रहे हैं वो मूलतः आपकी बैटरी से रिलेटेड है कि उसमें बैटरी ना लगना, उसका अल्टरनेटर ना कार्य करना। ऐसी स्थिति वर्तमान में रीजनल वर्कशॉप में भी और आप संबंधित डिपोज में भी बैटरी का कोई अभाव नहीं है। जितनी गाड़ियां जा रही हैं वो आपकी सेल्फ स्टार्ट होकर जा रही हैं। समस्या क्योंकि ये सभी मैकेनिकल डिवाइस हैं तो यदा कदा इसमें हो सकता है कभी सेल्फ फंस जाए, तो ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं, तो उसको ससमय निस्तारित भी किया जाए, कराया जा रहा है।